रेखा वर्मा, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों का। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि कुछ लोग हिंदू शब्द को अछूत और असहनीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शिकागो में दूसरी विश्व हिंदू कांग्रेस को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि भारत सार्वभौमिक सहनशीलता में विश्वास करता है और सभी धर्मों को सच्चा मानता है। हिंदू धर्म के अहम पहलुओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि साझा करना और ख्याल रखना हिंदू दर्शन के मूल तत्व हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस की ओर से बुलाए गए भारत बंद की अगुवाई के लिए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी राजघाट पहुंचे। कैलाश मानसरोवर से लौटकर राहुल गांधी सीधे बंद को समर्थन करने के लिए सड़क पर उतर गए। कांग्रेस अध्यक्ष ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और कैलाश से लाए जल को बापू की समाधि पर चढ़ाया। इसके बाद उन्होंने मार्च की अगुवाई की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर कोडागो जिले समेत राज्य के बाढ़ प्रभावित सभी इलाकों के लिए राहत राशि दिए जाने का आग्रह किया है। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी उपस्थित थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत बंद पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि भारत कभी बंद नहीं होगा, वो आगे बढ़ता रहेगा, तरक्की करता रहेगा। कांग्रेस के इस आह्वान पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उनके महागठबंधन का गुब्बारा जल्द ही फूट जाएगा। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि मोदी सरकार ने जनता से किए अपने वादों को पूरा नहीं किया। पेट्रोल आज 80 के पार और डीजल करीब करीब 80 के पास पहुंच गया है। इसके अलावा LPG के दाम 800 रुपए तक पहुंच गए हैं। पहले पूरे देश में PM मोदी घूम घूम कर कहते थे कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन आज एक शब्द भी नहीं बोल रहे। पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी कौन सी दुनिया में है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने आज भारत बंद किया, जिसका 21 विपक्षी दलों और कई व्यापारिक सामाजिक संगठनों ने समर्थन भी किया। इसमें NCP, DMK, सपा, JDS, बसपा, TMC, CPI, CPM, नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा, आप, TDP, केरल कांग्रेस, लोकतांत्रिक जनता दल, शेतकारी पार्टी और हिंदुस्तान आवाम पार्टी और अन्य पार्टियां शामिल हुई। वहीं कुछ पार्टियां ऐसी भी रहीं जो कांग्रेस के नेतृत्व करने के चलते इस विरोध में शामिल नहीं हुई। बिहार में भारत बंद के दौरान हुई बच्ची की मौत पर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने कहा कि बंद के दौरान कभी एम्बुलेंस नहीं रोकी जाती है, 2 साल की बच्ची की मौत पर राहुल गांधी जवाब दे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष का भारत बंद पूरी तरह से असफल रहा है। भारत बंद के दौरान देश में हिंसा क्यों हो रही है? कई जगह बसों में तोड़फोड़ हुई और ट्रेनें रोकी गई। क्या हिंसा के जरिए देश में राजनीति होगी? दिल्ली NCR में सुबह करीब 6:30 बजे हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का सेंटर दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर मेरठ के खरखौदा में था। इससे पहले भी रविवार दोपहर दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ये झटके शाम 4:37 पर महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई और इसका केंद्र हरियाणा का झज्जर था। इस भूकंप से फिलहाल कोई नुकसान की खबर नहीं मिली है। आज आम आदमी पार्टी ने होम डिलीवरी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना को लॉन्च किया। सर्विसेज को घर घर पहुंचाने की योजना की शुरुआत 10 सितंबर से शुरू हुई। दिल्ली सरकार इस पर काफी समय से काम भी कर रही थी। आम आदमी पार्टी ने सोमवार की सुबह 10 बजे दिल्ली सचिवालय में इस योजना को लॉन्च किया। इस लॉन्च के दौरान दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री और अलग अलग विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में सफाई के दौरान 4 सफाईकर्मियों की मौत हो गई। DLF निर्माणाधीन सोसाइटी में 5 कर्मचारी सफाई के लिए एक सीवर में उतरे थे। सफाई के दौरान जहरीली गैस से दम घुटने से ये हादसा हुआ। इसमें से 4 कर्मचारियों की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि 1 कर्मचारी अभी भी गंभीर रूप से घायल है, जिसे RML अस्पताल में रेफर किया गया है। पुलिस ने IPC के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने SC और ST एक्ट पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को सही करार देते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि इस कठोर कानून से लोगों को बचाने के लिए वो इस मुद्दे पर फिर से विचार करें। उन्होंने कहा कि वो न्यायालय के निर्णय का पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि ये एक बड़े वर्ग के लोगों के लिए किया गया सही निर्णय है।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले के जरिए SC ST एक्ट अधिनियम के तहत मामले में स्वतः गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। सूरत के कारोबारी से करोड़ों रुपए के बिटकॉइन हथियाने के आरोप में भाजपा के पूर्व विधायक नलिन कोटड़िया को गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने लंबे वक्त से फरार चल रहे कोटड़िया को महाराष्ट्र के धुलिया से धर दबोचा। इस मामले की जांच के लिए कोटड़िया को CID क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। मामले में कई नए खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आपको बता दें, कोर्ट ने कोटड़िया को भगोड़ा घोषित कर दिया है। मुन्ना सिंह के मुताबिक SC ST एक्ट के खिलाफ जहां देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहीं बलिया के किन्नरों ने प्रदर्शन का नायाब तरीका निकालते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों का विरोध किया। किन्नरों का कहना है कि सभी राजनीतिक दल समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे में किन्नर समाज 2019 लोकसभा चुनाव में नोटा पर बटन दबाएंगे। इस मुहिम के लिए बाकायदा नोटा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करेंगे। मेरा नाम है किन्नर अनुज। हम लोग नोटा आंदोलन कर रही है और मैं देशवासियों को और किन्नर समाज को हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि मैं जो नोटा आंदोलन छेड़ रही हूँ उसमें सब कोई योगदान करे और मेरा आंदोलन और स्ट्रांग करे। तो नोटा आंदोलन किस तरह से चला रहे हैं? नोटा आंदोलन इस तरह से चल रहे हो क्योंकि हम लोग घर के अंदर महल तक जाते हैं, हम लोग बाधा ही करती हूँ। तो हम लोग घर घर जाके प्रचार करेंगे और किन्नर समाज में हम लोग ऐसा जरूरत पड़ेगा तो किन्नर समाज को बुला के और यहाँ सम्मेलन करवाएंगे। निजामुद्दीन राजन के अनुसार पीलीभीत की कोतवाली सहरा उत्तरी क्षेत्र में एक युवक ने अपनी बीमारी से तंग आकर खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक बीती रात खेत को देखकर आने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन सुबह उसका शव गांव से 2 मीटर दूर एक पेड़ पर लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची सहराव उत्तरी पुलिस ने पेड़ से शव उतार कर पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम को भेज दिया। इस घटना से मृतक पर कोहराम टूट गया है। सर हम कुछ नहीं, हम कल पीलीभीत दवा लेने के लिए गए, वहाँ से आए, 2-10 मिनट बैठा घर पे, बोला हम खेत की तरफ घूमने जाएंगे। तो हमने आया तो खेत तक हमें तो सुराग मिला कि खेत से जंगल के किनारे तक सुराग मिला, उससे आगे कोई सुराग ही नहीं मिला। उसके बाद हम लोग पूरी रात ढूंढते रहे, अब जाके लाश मिली। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, मालिक जाने। जी कोई बता रहा था कि FIR वगैरह कोई मारपीट घर में कोई लड़ाई दंगा हुआ, क्या है ऐसा मामला कुछ? आपस में सर कोई दंगा नहीं है, पास पड़ोस में दंगा ऐसे चलता रहा। हमारे पास मतलब चौकी पे 2-3 FIR भी हमारे खिलाफ़ गई, पुलिस आती रही और उसके अलावा में मतलब हम उसे हमारा निपटाया गया। उसके बाद वहाँ एक दो बातें सुनने में आई ये कि मतलब हम घर घनेरे बाहर भोतेरे बाहर देखेंगे, वो इसके लिए नहीं हमारे लिए कहा था, हमसे खुद कहा था। रात्रि में गाँव निजामपुर के रहने वाले एक 26 वर्षीय लड़का श्री संजीव कुमार पुत्र श्री रूपराम, ये काफ़ी समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित था। कल शाम ये अपनी बाइक से घर से कह करके आया कि मैं घूमने जा रहा हूँ और यहाँ जंगल में लगभग 1.5 किलोमीटर आकर के सागौन के पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली है। पंचायत नामा की कार्रवाई की जा रही है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग और दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में निमोनिया की शिकायत के बाद ICU में एडमिट कराया गया था। दिलीप कुमार के आत्मकथा के लेखक उदय तारा नायर ने कहा है कि वो ICU में हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है, उन्हें एंटीबायोटिक्स दी जा रही है। दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए A1 News TV। नमस्कार।